हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो आज के हमारे इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है हम उसको कवर करेंगे। तो हम इसमें हम क्या देखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक क्या है, काइंड इसके कितने हैं, यानी कितने टाइप्स के डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरह से इफेक्ट होता है, डेरिवेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या है, तो डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर्स होते हैं, है ना, अचालक होता है। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में और एक नॉर्मल नॉन कंडक्टर के अंदर डिफरेंट क्या है। तो बेसिकली हम इसको लेते हैं H2O मॉलिक्यूल के एग्जांपल से। तो सपोज करो तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है अणु H2O। H2O कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो हम एकदम बेसिक केमिस्ट्री में जाते हैं 7-8 के। अगर मैं वहां पे देखूंगा तो हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, क्लियर। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका कॉन्फिगरेशन मुझे मिलेगा 2-6, यानी इसका आउटर मोस्ट कैरी कर रहा है कितना, 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 8 है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके आउटर मोस्ट वही हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके पास 8 था तो हमने इसको कंफिगरेशन किया ऑक्टेव लॉस के अकॉर्डिंग, तो 2 आया, फिर कितना आया, 6 है। तो अष्टक के नियम के अनुसार 2-6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना हिंदी में। तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस एटम को क्या है अपने आउटर मोस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ पे फिलहाल इस कंडीशन में। तो इसको अगर अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, यहाँ पे कितना है टोटल, 6। तो इसको अगर और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, यानी कि इस एटम के पास अगर एक्स्ट्रा और 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये एटम क्या होता, अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट कर लेता। सिमिलरली इसका ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है, तो ये पहले कक्षा के अंदर इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिलहाल यहाँ पे कितना है, 1 है। अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट कर लेगा। हम बेसिक 6-7-8 की हम केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो यही होगा। तो क्या है, सपोज करो हम अगर मैं हाइड्रोजन के लिए अगर इसका फिगर ड्रॉ करूं ऑर्बिटल फिगर इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो मुझे यहां मिल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6, है ना। इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम बहुत ही सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, बॉन्डिंग सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिगर ड्रॉ करते रहे, कैसे। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां लाएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां लाएगा, और हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों क्या करेंगे, यहां पे इस दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाएंगे, है ना। अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है इसका तो आउटर मोस्ट पूरा हो गया, क्योंकि इसको कितने की जरूरत थी, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इस ऑक्सीजन के लिए अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि यहाँ पे 6 था, उसने 1 पेयर बनाया, तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा, तो सिंपली ये यहां से क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे वो पेयर बना लेता है, यही हमने पढ़ा था, है ना। इस तरह से ऑक्सीजन का भी क्या होता है, आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिससे होता क्या है, ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेयर क्या होता है, तो ये सपोज हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो बीच में होना चाहिए वो थोड़ा इधर खसक जाता है, है ना। तो इससे कौन सा इफेक्ट क्रिएट होता है कि यहाँ पे ये हो जाता है स्लाइटली पॉजिटिव और ये हो जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यही होता है ना। ओके,
तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे जो भी हो इसको हम देखेंगे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आने से क्या होता है, जो भी हो, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो H2O क्रिएट हुआ ये अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट कर लिए, कौन, हाइड्रोजन ने भी कर लिया, ऑक्सीजन ने भी कर लिया, इस तरह से इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हो गया है ना, किसका, H2O का। इसका मतलब है H2O का मॉलिक्यूल जो है ना तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अभी, और ना ही अपने इस कॉम्बिनेशन में से कोई इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ऐसा करेगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल नॉर्मल कंडीशन में क्या नहीं करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब है कि ये किसी तरह का इलेक्ट्रॉन का कंडक्ट नहीं कर रहा है, किसी तरह का आवेशों का वाहन या चालन नहीं कर रहा है ना। जब ये किसी तरह का आवेशों का चालन नहीं कर रहा है, कोई चार्ज का कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे H2O क्या हो गया, तो H2O यहाँ पे हो गया नॉन कंडक्टर। ठीक है, ऐसे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, H2। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, दोनों ने क्या किया, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लिया, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या कह रहा है कि इस हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट में पूरा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट में पूरा इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों में से कोई भी क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन ना तो एक्सेप्ट करेंगे, अब ये मॉलिक्यूल ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ना तो अपने में से कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसका मतलब है कि जो H2O है ये भी कंप्लीटली कैसा हो गया, एक नॉन कंडक्टर बन गया, यानी कि ये भी अब इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं और देगा भी नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का कंडक्ट नहीं करेगा, कोई तरह का चालन नहीं करेगा आवेशों का। तो इस तरह से ये भी कौन हो गया, तो ये भी बन गया एक तरह का नॉन कंडक्टर मटेरियल बन गया, यानी आवेशों का क्या बन गया, ये एक अचालन, यानी विद्युत के लिए अचालक बन गया। तो ऐसे इंसुलेटर्स को, ऐसे अचालकों को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, हमने डिफाइन किया है, देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा वही मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। डेफिनेशन हमेशा मेरा सिंपल होता है, आप खुद भी इसको यूज कर सकते हो, ये ऐसा ही हुबहू रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, हमने लिखा है डाई इलेक्ट्रिक इज सच अ सब्सटेंस दैट इट डज नॉट अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू इट बट अलाउज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज टू ईच अदर, है ना। क्या नहीं करता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लग सकता है ना, बहुत ही एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस तक फोर्स लगेगा, लेकिन वो चार्ज को पास करने में अलाउ नहीं करता है। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी नॉन कंडक्टर, ये प्लास्टिक है, लेकिन ये इसकी तरह बिहेव नहीं करेगा, समझ में आया ना, तो इन दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, ये कोई भी कंडीशन में क्या नहीं करेगा, ऐसा बिहेव नहीं करेगा। क्लियर हो गया, ओके। या फिर हम इसको दे सकते हैं सिंपली, हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, एक्चुअली डाइइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय लिमिटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, समझ में आया ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली में ऐसे डाइइलेक्ट्रिक, मतलब डाइइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं हम, तो इनको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, या ऐसा उसमें से अगर कोई चार्ज को फ्लो किया जाए, ऐसा इफेक्ट क्रिएट किया जाए कि जिससे क्या होगा, इनके चार्जेस सेपरेट होंगे, या जो पहले से सेपरेट हैं वो एक पर्टिकुलर डाइपोल में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे, जिससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक यहाँ पे क्या बनता है, डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा, यानी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा या डाइपोल बन सकता है ये, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ऐसे इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया, तो डाई इलेक्ट्रिक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि कितने काइंड्स के होते हैं। तो अभी अभी आपने कितने टाइप के डाई इलेक्ट्रिक देखा, एक ये है और एक ये है यहां पे, तो यही जो हम देख रहे हैं इसके बेसिस पे डाइइलेक्ट्रिक को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। कितने टाइप्स में, टू। कौन कौन सा, तो जो डाइइलेक्ट्रिक है, तो जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, इनको डिवाइड किया हुआ है कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। कौन कौन सा है, तो एक है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एक है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक कौन सा है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, यानी कि एक होगा ध्रुवीय डाइइलेक्ट्रिक और दूसरा क्या है, अध्रुवीय डाइइलेक्ट्रिक, समझ में आया ना।
एक क्या है ध्रुवीय डायलैक्ट्रिक पदार्थ और दूसरा क्या है अध्रुवीय डायलैक्ट्रिक पदार्थ। क्लियर। तो टू पार्ट्स में, तो पहले हम देखते हैं नॉन पोलर का, हम पहले देखते हैं। तो नॉन पोलर क्या है, सपोज करो हाइड्रोजन H2, ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था। अगर मैं इस हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा एक हाइड्रोजन क्या करेगा यानी कि H, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, और इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, पेयर बनाया। क्लियर। इसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी दोनों की सेम है, तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन ना तो इस हाइड्रोजन के पास आएगा और ना ही इस हाइड्रोजन के पास आएगा, है ना। अगर मैं इसको रेड में ले लूं तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला। क्लियर। तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ना तो इस हाइड्रोजन के पास आ रहा है, ये ब्लैक वाले जो हम पार्ट बनाए हैं ऐसे कुछ होता नहीं है, और ना ही ये पेयर का इलेक्ट्रॉन इस रेड वाले के पास आएगा, है ना। तो रेड और ब्लैक तो कोई हाइड्रोजन होता नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होता है। तो ये हमने खाली जानने के लिए बनाया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ना तो इधर आ रहा है ना इधर आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो सेंटर है, जो चार्ज का जो सेंटर है ना इन दोनों हाइड्रोजन का, ये दोनों एटम्स के, तो इन दोनों एटम के मिलने से ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है। इस एटम का जो सेंटर है, जो चार्ज का सेंटर है, वो कैसा है, वो कोइनसाइड है ना। तो इस तरह के चार्ज को अगर हम शो करेंगे तो हमें कैसा मिल रहा है, तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोइनसाइड मिल रहा है, यानी कि इस कंडीशन में ये किसी भी तरह का डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, या कोई डाइपोल यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि डाइपोल कब क्रिएट होता है, जब चार्ज का सेपरेशन हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं है दोनों मॉलिक्यूल के क्रिएट होने से, तो इस तरह के, क्योंकि इनका चार्ज का सेंटर क्या है, कोइंसाइड है, एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है चार्ज के बीच में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कोई भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता नहीं है, समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास क्या होता है, कोई भी तरह का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक कहेंगे, समझ में। क्या होगा, द सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल विच डज नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, विच डज नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आर नोन एज नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, ठीक है। ऐसे अणु जिन अणुओं के पास, या ऐसे पदार्थ जिन पदार्थों के पास क्या नहीं होता है, परमानेंट, है ना, निश्चित डाइपोल मोमेंट या फिक्स या परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, उससे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर अध्रुवीय डायलैक्ट्रिक कहेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया, ऐसे और कौन है, O2, ठीक है, और CO2। क्लियर हो गया। तो ये सब क्या है, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे, अगर लेकिन ये मैंने क्या कहा, मैं इसके ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, कोई एक्सटर्नल फील्ड यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये जब मॉलिक्यूल क्रिएट करें ऐसे कंडीशन में, ये हो गया हमारे कौन से, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। क्लियर। अब आते हैं पोलर में, अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा था H2O का। इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पेयर का इलेक्ट्रॉन था, वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम होने के वजह से जो पेयर इलेक्ट्रॉन था वो स्लाइटली क्या हो गया, शिफ्ट कर गया किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता इसका ज्यादा होने के वजह से ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा खिसक गया, है ना, थोड़ा सा स्लाइड यो क्या हुआ, वो शिफ्ट कर गया किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। जब ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गया तो क्या हुआ, इसके ऊपर आया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया। तो जब इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आया, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आया, तो ये क्या हुआ, ये जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ, अपने सेंटर से खिसक गया,
यानी यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है किसके किसके बीच का, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। कुछ डिस्प्लेसमेंट अभी है ना, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डाइपोल का डेफिनेशन में कि टू अपोजिट बट इक्वल मैग्नेट्यूड, टू अपोजिट मैग्नेट्यूड सॉरी टू अपोजिट चार्जेस बट having equal magnitude if placed a particular distance or fixed distance such type of arrangement or system of charge is known as dipole। यदि दो विपरीत आवेश परंतु समान मान वाले एक निश्चित दूरी पर रहते हैं तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, तो यहाँ पे ये बना रहा है डाइपोल। तो इस मॉलिक्यूल के पास या इसके पास तुम देख सकते हो ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक के पास आ रहा है पॉजिटिव पोल आ रहा है, एक के पास नेगेटिव पोल आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, या हमें इसे कहते हैं क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये तुमने ऑलरेडी नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, किसमें, बॉन्ड्स में, चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई एक में है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स में। तो ये क्या है, तो ये है पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल, पोलर है, क्रिएट हो गया ध्रुवीय अणु इसे हम कहेंगे। तो इसके पास क्या है, अगर हमें डाइइलेक्ट्रिक की बात करूं तो इसके पास क्या है, इसके पास एक परमानेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि द मॉलिक्यूल विच हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, है ना, या पोलर मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे उसे। ऐसे अणु या ऐसे पदार्थ के अणु जिनके पास क्या होता है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ऐसे अणुओं को हम क्या कहेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक अणु कहेंगे। ठीक है, पोलर अणु कहेंगे, क्लियर हो गया। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, आपको क्लियर हो गया। ये जो हम फिलहाल बात कर रहे थे वो है अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो तो ये कैसे होंगे, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर इन मॉलिक्यूल्स को एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाए तो इसमें किस तरह का परिवर्तन होता है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इज ऑक्यूर इफ द मॉलिक्यूल और इफ द सब्सटेंस इज प्लेस बिटवीन और विथिन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ओके। सो तो देखते हैं, तो माना कि ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई। तो इसको, इसके अंदर अब मैं सपोज हम इसको एक बॉक्स देख लेते हैं, सपोज ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड है हर जगह पे, डायरेक्शन हमारा ये है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले सपोज करो रखता हूं एक पोलर मॉलिक्यूल, सो किसको रखूंगा, पोलर। पोलर मॉलिक्यूल कौन होता है, तो हमने देखा था कि पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके पास पहले से क्या होता है, एक परमानेंट क्या होगा, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। अब इसको अगर उठा के मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो क्या होगा, हम ये देखेंगे। तो सपोज करो पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इनिशियल सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनिशियल हम कंडीशन की बात करें, इनिशियल फिलहाल ये नहीं है, इनिशियल जीरो है। अगर ऐसे सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, तो सपोज ये है, ठीक है ना, ये तो ये ऐसे नहीं होंगे, यानी कि एक डायरेक्शन में तो होंगे नहीं, क्योंकि सबके पास क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिससे ये डाइपोल मोमेंट जो है, यानी ये जो सारे डाइपोल है, कोई एक ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ठीक है ना, ऐसे हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसे ऐसा है, क्लियर हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये सारे डाइपोल कैसे हैं, रैंडम है, ये रैंडमली इधर उधर है। ऐसे रैंडम कंडीशन में क्या होगा, ऐसे रैंडम कंडीशन की वजह से इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा पी नेट, वो क्या होगा, तो तुम देख सकते हो कि एक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो अगर एक की डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है, तो एक की डाइपोल मोमेंट क्या है, ये डायरेक्शन में है, एक का ये डायरेक्शन में, एक ये है, एक ये डायरेक्शन में है, एक ये है। तो इस रैंडम डाइपोल मोमेंट होने की वजह से सब
का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करने के वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिलेगा वो कैसा मिल रहा है, वो जीरो मिल रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो कैसा मिलेगा, वो हमें जीरो मिलेगा। किसमें, अगर मैं एक पॉलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो पॉलर मॉलिक्यूल इनिशियली नेट डाइपोल मोमेंट कैरी करते हैं कितना है, जीरो। क्लियर हो गया, कितना कैरी करता है, जीरो। लेकिन जब हम उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज डायरेक्शन ये है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन लिया है। जब मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये डायरेक्शन सपोज कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है तो ऑब्वियसली ये साइड पॉजिटिव है, वो साइड नेगेटिव है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को अगर रखूंगा, तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में, थोड़ा सा रिवर्स करो, चैप्टर नंबर टू में भी हमने पढ़ा है ना। आप पता है आपको क्या करना है, आप आई पे, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप आई बटन पे जाके इसको देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके भी प्ले लिस्ट में देख सकते हो। क्या ये कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखूंगा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इसके दोनों चार्ज के ऊपर अलग अलग फोर्स लगेगा, जिसके वजह से डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब ये दो तरह के था, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कैसा करेगा, वो इसको रोटेट कराएगा और साथ में डिस्प्लेस भी कराएगा, और अगर यूनिफॉर्म है तो वो सिर्फ रोटेट करेगा यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो फोर्स लगता है किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में होगा, ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना। इस तरह से इन सब के रोटेशन या टॉर्क के वजह से जो इनिशियली जो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, अब क्या होगा, तो अब जब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो लगभग एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, जितना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से ही इसका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे पॉलर मॉलिक्यूल्स, इन सभी का जो अरेंजमेंट है कुछ वो ऐसा हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या किए, ये रोटेट किए, ये घूमे, ये सपोज पॉजिटिव है तो ये ऐसा रोटेट कर गया, ये ऐसा था ये ऐसे रोटेट कर गया, ये ऐसा था ऐसा रोटेट कर गया, और ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना है। अब सबका डाइपोल मोमेंट देखो, पहले कैसा था, सबका रेंडम था, अब सबका पी का डायरेक्शन देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब पी का डायरेक्शन देखो, पी का डायरेक्शन कैसा है, ये डाइपोल के लिए पी ये डायरेक्शन में है, ये डाइपोल के लिए भी ये डायरेक्शन में, यहाँ पे भी ये डायरेक्शन में, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये है, यानी कि अब जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि अब पी नेट जो है वो क्या नहीं है, तो पी नेट या नेट डाइपोल मोमेंट जो है अब यहाँ पे जीरो नहीं है। क्लियर हो गया, अब डाइपोल मोमेंट क्या है, अब जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है। पहले कितना था, पहले नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन अब नेट डाइपोल मोमेंट क्या नहीं है, अब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो हमने देखा था कि सपोज ये कंडक्टर है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कंडक्टर को रखता हूं तो एक साइड पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज आएगा, एक साइड जो है वो पॉजिटिव, जिसके वजह से तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहता है जब तक क्या नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता है, बाद में दोनों कैंसिल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, जीरो। यही हमने देखा था, हाँ है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो जाता है जीरो कंडक्टर में। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे नॉन कंडक्टर जो मटेरियल है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, तो तुम्हें दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, किसकी,
ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है वो ये डायरेक्शन में है, तो इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन में होगा कौन, तो सपोज हम ले लेते हैं डाइपोल का वजह से तो EP, तो EP का डायरेक्शन ये है, E1 का डायरेक्शन ये है, लेकिन ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के वजह से जो डाइपोल मोमेंट मिला इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस एक्सटर्नल डाइइलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है या कम है हम कह सकते हैं। सपोज करो कि इतना सा ही डाइइलेक्ट्रिक है, तो ये देखो इतना सा ही डाइइलेक्ट्रिक, यानी कि ये कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इफेक्ट कर रहा है, समझ में, यानी कि क्या नहीं है, तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो नहीं है, समझ में आया। तो पोलर मॉलिक्यूल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर जीरो होगा नहीं, समझ में आया। ये यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा ई नेट वो क्या है, वो है ई पी प्लस क्या है ई वन इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या होता है कि इसका रैंडम पोजिशन क्या, रैंडम अरेंजमेंट के वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही नहीं लेकिन डाइपोल मोमेंट ऐसे कंडीशन में हमें जीरो मिलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट हमें यहां पे क्या मिलेगा जीरो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं उसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूंगा, तो हमने पढ़ा कि उसके ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा, इस टॉर्क के उत्पन्न होने के वजह से इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा जिसके वजह से क्या होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो अब हमें जीरो मिलेगा नहीं। और जितना ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा याद रखना है उतना ही अरेंजमेंट क्या होगा क्लियर हो जाएगा, यानी कि उतना ही सिंगल डायरेक्शन में होंगे जिसके वजह से डाइपोल मोमेंट उतना ही मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन ऐसा कंडीशन क्रिएट करना उतना ज्यादा पॉसिबल हो पाता नहीं है। लेकिन हम जानने के लिए याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो डाइपोल मोमेंट भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। सपोज कि अगर ई वन, सपोज करो माना कि कैसा है, अगर E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज E2 से अगर कम होगा तो याद रखना है E1 में रखे हुए डाइइलेक्ट्रिक का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा सपोज P1, ये P1 भी क्या होगा, तो ये P1 भी जो होगा वो कैसा होगा, तो वो भी डिक्रीज होगा, यानी P2 के कंपेयर में कम होगा, समझ में आया। याद रखना है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में अगर E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अगर इंक्रीज होगा तो इंटरनल जो डाइपोल मोमेंट है उनका वो भी इंक्रीज होगा। ये हमने देखा पोलर मॉलिक्यूल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो किस तरह का इफेक्ट होता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि नॉन पोलर के ऊपर इसका प्रभाव कैसा होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए तो अब हमारे पास एक नॉन पोलर यानी कि ये एग्जाम्पल कौन है, H2O जैसे, सॉरी H2O2, ये सब। अगर मैं किसी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर किसी डाइइलेक्ट्रिक को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, पहले माना कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसा हमारा पहला कंडीशन था, सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पे सारे मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो तो कोइंसाइड है ना, ये है। यहां पे तो ऐसे भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्यों, क्योंकि तो डाइपोल मोमेंट तो है ही नहीं, इनके पास तो डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, हमने यही देखा था, है ना। लेकिन अगर मैं इसे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख देता हूं, सपोज ये एक एक्सटर्नल फील्ड है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये तो हमने देखा ना डायरेक्शन, अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर डायरेक्शन ये है तो ये तो पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल से और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें यही कहता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो अभी हमने यहां पर देखा कि क्या होता है कि फोर्स लगेगा, चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, तो इन चार्ज के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होगा
तो इन आवेशों में जो क्या कर रहा है, ये एक नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव को रिपल कर रहा है, जिससे इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बदल के कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। इनका अरेंजमेंट बदल के कैसा हो गया, इस तरह से। तो जब ये अरेंजमेंट ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यही बन रहा है। इसे हम कहेंगे पोलराइजेशन, ठीक है ना। इसके लिए हम जो डेरिवेशन देखेंगे वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा पोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि यहां पे तुम्हें दिख रहा है डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, ये रहा अरेंजमेंट, ये रहा, ये हमने देखा था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट हमें कैसा मिल रहा है, तो ये कंडीशन में हमें डाइपोल मोमेंट जो है पी नेट जो है वो जीरो नहीं मिल रहा है, है ना। यानी अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी अगर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें अंदर डाइपोल मोमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में एक्स्ट्रा अगर कैसा है, जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, वो इनिशियल तो जीरो है क्योंकि रैंडम है वहां पर, यहां पे तो है ही नहीं, लेकिन उसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे, लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन जब उन मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों ही सिचुएशन में हमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं मिल रहा है, लेकिन डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होने की जो कंडीशन है ना वो थोड़ा अलग अलग है। वो कैसा है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करूंगा तो चार्ज का सेपरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। चार्ज का सेपरेशन बढ़ेगा तो हमने पढ़ा था पी इज इक्वल टू टू ए क्यू। ए क्या था यहाँ पे, ए था उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उनका डिस्टेंस है ए। तो इसका मतलब हुआ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे भी वही है, सपोज E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं E2 को बढ़ाऊंगा तो इसके संगत P2 में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द सिचुएशन क्रिएटेड, है ना। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में उसके ऊपर होने वाला प्रभाव क्या है। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको क्लियरली मेंशन कीजिए, या फिर तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप मुझे कहाँ कर सकते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे लाइव भी उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, वहाँ पे मुझे एक मैसेज छोड़िए, या फिर तो थम्स वाला इमेज मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा गूगल डुआ को, वहाँ पे मैं आके आपको लाइव भी सॉल्यूशन दूंगा शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में, एक घंटा आपके पास टाइम है, ठीक है। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को टाइम दे रहा हूँ, काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। लास्ट 1 वीक से चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो है वो मैंने कल से कुछ और स्टूडेंट्स को भी ऐड किया है। अभी आपको भी अगर आना है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, तो लाइव आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर कोई डाउट है तो। इसके अलावा अगर इसमें कोई डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, बाकी टाइप्स ये हैं, और नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो दिए हुए लिंक पे जाके, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और अगर आपको कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।